रिलेटेड टू लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग विचार है। चलिए देखते हैं किस साइंटिस्ट ने प्रकाश को क्या समझा है। तो सबसे पहले हमें बताया जाता है कि लाइट इज ए रे, यानी कि लाइट हमेशा सीधी दिशा में जाती है, एक रे किरण के रूप में व्यवहार करती है। उसके बाद बताया गया लाइट इज ए वेव, कि लाइट एक तरंग है, वो सीधी दिशा में भी जा सकती है, वो बेंड भी कर सकती है। तो यहां से हमें एक चीज तो क्लियर है कि रे के सारे काम कौन कर सकता है, वेव। उसके बाद बताया गया लाइट इज ए पार्टिकल, जो छोटी छोटी पार्टिकल से मिलकर बनी है लाइट, जिन्हें हम फोटोन का नाम देते हैं। और उसके बाद डी ब्रोगली ने बताया है कि लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है। जब लाइट लाइट के साथ है तो वेव है, और जब लाइट मैटर के साथ है, किसी पदार्थ के साथ है, तब वो पार्टिकल है। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं किस साइंटिस्ट का क्या विचार था। चलिए शुरुआत करते हैं फादर ऑफ फिजिक्स के साथ, न्यूटन के साथ। न्यूटन ने जो अपनी थ्योरी दी है, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, इसने कहा है कि लाइट हमेशा सीधी दिशा में जाती है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन पे इसकी थ्योरी बेस्ड है, जिसे हम नाम देते हैं रे नेचर, प्रकाश का किरण के रूप में व्यवहार। ये किस नेचर की बात कर रहा है, रे नेचर की बात कर रहा है, किरण के रूप में व्यवहार की बात कर रहा है। उसने कहा है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ टीनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स को इसने नाम क्या दिया है, कॉर्पस्कुलर। उसने इनको नाम दिया है कॉर्पस्कुलर, ये वाला। अब उसके बाद देखो इसका जो हाइपोथेसिस था, इसका जो मानना था कि लाइट के अंदर सेवरल कलर्स होते हैं। ध्यान दीजिए, आज हम पढ़ते हैं कि लाइट के अंदर सेवन कलर्स हैं, लेकिन जब न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी थी उस समय सिर्फ पांच कलर्स का डिस्कशन किया था। तो उसने माना था कि जो ये कलर्स हैं, ये डिपेंड करते हैं डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पस्कुलर। बात समझ आ रही कि छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में ट्रेवल करता, और जो पार्टिकल साइज होगा वो डिसाइड करेगा कि कलर कैसा होगा। चीजें क्लियर है, ये सिद्धांत है किसका, न्यूटन का। एक बार फिर से देखते हैं, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, पहला पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट है कि जब ये ट्रेवल करता है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, छोटे छोटे कण के रूप में ट्रेवल करता है, और ये कण क्या कहलाते हैं, कॉर्पस्कुलर। उसके बाद दिया गया है कि जो कलर ऑफ लाइट है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ कॉर्पस्कुलर। ये वाला जो सिद्धांत था वो किसका था, न्यूटन का। चीजें क्लियर है। आपसे अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी किस पे बेस्ड है, तो हम कह सकते हैं कि लाइट का रे नेचर यहां से हमें मिला। चलिए इससे आगे देखते हैं हम। इसे आगे दिया गया है हाइजेन का वेव थ्योरी, हाइजेन का तरंग के रूप में व्यवहार। वेव हिंदी में होता है तरंग के रूप में व्यवहार। हाइजेन ने क्या माना है, हाइजेन ने एक ऐसा मीडियम अज्यूम किया है, हाइपोथेटिकल एक अजम्पशन है उसका ये, कि वो मीडियम कैसा है, इथर है अपने पास, जिसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा हो और डेंसिटी बहुत कम हो। अब यहां से एक क्वेश्चन हम कवर अप करके चलेंगे कि किसी भी मीडियम से लाइट को ट्रेवल करने के लिए, या किसी भी मीडियम से वेव को ट्रेवल करने के लिए, मीडियम के अंदर क्या क्वालिटी होना जरूरी है, मीडियम के अंदर, माध्यम के अंदर क्या गुण होना जरूरी है। तो यहां पे दो प्रॉपर्टी है, एक होता है रिजिडिटी, माध्यम के अंदर दृढ़ता का गुण होना अनिवार्य है, और दूसरा होता है इनर्शिया, जड़त्व। किसी भी माध्यम से तरंग के गुजरने के लिए माध्यम में दृढ़ता और जड़त्व का गुण होना अनिवार्य है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इसे आगे देखते हैं। इसने क्या माना है कि लाइट लॉन्गिट्यूडनल नेचर होता है, लाइट का लॉन्गिट्यूडनल वो होता है कि मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके प्रोपेगेशन के डायरेक्शन और वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन दोनों एक समान है। लेकिन बाद में ये पाया गया कि ये वाला जो इसका पॉइंट था ये गलत था। आज जब हम पढ़ते हैं तो लाइट का कौन सा नेचर पढ़ते हैं हम, आज हम लाइट का ट्रांसवर्स नेचर पढ़ते हैं, ट्रांसवर्स नेचर। आज हम पढ़ते हैं लाइट का अनुप्रस्थ व्यवहार।
लेकिन उसने माना था कि ये अनुदैर्ध्य है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि फेलियर ऑफ हाइजेनबर्ग थ्योरी, तो आप कह सकते हैं कि हाइजेन का मानना था कि प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है, लेकिन बाद में पाया गया कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये चीज उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता अपने पास जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या दिया है कि लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया गया है, ईएम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय। आप जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय बेसिकली सात पार्ट्स होते हैं इसके, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज। एक बार मैं लिख भी देता हूं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, पैराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। उसके बाद है अपने पास विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। उसके बाद है अपने पास इंफ्रारेड रेज, आईआर रेज, अवरक्त किरणें। उसके बाद है अपने पास माइक्रोवेव, और उसके बाद है अपने पास रेडियो वेव। इन सब पे मैंने एक अलग से वीडियो तैयार किया है, आप उसमें इनकी प्रॉपर्टीज, फ्रीक्वेंसी वगैरह वो सब चीजें आप देख सकते हो। यहां पे इनको समझाने का मकसद क्या है कि इन सात पार्ट्स में से आप सिर्फ एक पार्ट देख सकते हो, आप देख सकते हो सिर्फ दृश्य प्रकाश। और इस दृश्य प्रकाश की खोज किसने की है, तो आंसर होगा न्यूटन ने। ठीक, ये चीजें कहां से हमें मिल रही है, मैक्सवेल थ्योरी से हमें मिल रही है। उसके बाद बताया गया है कि जब ये ट्रेवल करती है वेव, जब ट्रेवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रेवल करती है, तो इसकी स्पीड वैक्यूम के अंदर क्या रहती है, स्पेस के अंदर क्या रहती है, सी इज इक्वल टू 1/ε0, उसके साथ साथ अपने पास म्यू नोट, दोनों की मल्टीप्लीकेशन, और दोनों का मल्टीप्लाई आएगा अपने पास 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहां से एक क्वेश्चन और हम कवर अप करके चल रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल है, ये फर्स्ट टाइम किसने मेजर की थी, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने बताई थी, तो आंसर होगा रोमर ने। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने बताई थी, तो आंसर होगा रोमर ने। उसे आगे हम चलते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन दिया गया है, और उसके बाद बताया गया सबसे अच्छी बात देखिए, डज नॉट रिक्वायर एनी मेटल मीडियम। देखो वेव जब आपको पढ़ाई जाएगी दो पार्ट करवाए जाएंगे, एक होता है मैकेनिकल जो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन से पैदा होती है, यांत्रिक तरंग जैसे अपनी साउंड वेव है या सिस्मिक वेव है, वाटर वेव है, स्प्रिंग वेव है, स्ट्रिंग वेव है, ये सब चीजें। और एक आएगा आपके पास नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव में मैं कवर करूंगा मैटर वेव, मैं कवर करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और मैं कवर करूंगा कॉस्मिक रेज। ध्यान रखिए कॉस्मिक रेज इज नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसमें जब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि उन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तैयार हुई है, कैसे वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर है, इतना सब पढ़ने के बाद आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा पॉइंट क्या है कि लाइट वेव इज कि प्रकाशीय तरंग क्या है। सबसे पहला है
एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि लाइट वेव ट्रांसवर्ज इन नेचर है, ट्रांसवर्ज इन नेचर है, प्रवृत्ति में कैसी है, अनुप्रस्थ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही अगर बात करूं मैं साउंड वेव की, तो साउंड का यहां से तो कोई लिंक नहीं है, लेकिन साथ साथ वो भी कवर कर लीजिए। साउंड वेव इज ऑप्शन ए है, मैकेनिकल वेव, क्योंकि मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन से पैदा होती है, तो ये एक यांत्रिक तरंग रहेगी, और प्रत्येक यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यही कारण है कि ध्वनि तरंग की चाल निर्वात में शून्य होती है। वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड रहेगी वो जीरो रहेगी, और लॉन्गिट्यूडनल यानी जिस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे उसी डायरेक्शन में स्पीड ट्रेवल करेंगे। तो ये अपने पास अनुदैर्ध्य तरंग है और यांत्रिक तरंग है। होप ये चीज आपको क्लियर होगी। चलिए इसे आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, और यहां से हम शुरू करेंगे क्वांटम थ्योरी। आपको पता है जहां भी क्वांटम का नाम आता है वहां फोटोन का कंसेप्ट शुरू हो जाता है। इसने क्या माना है कि जो लाइट है, लाइट प्रोड्यूस की जाती है वो भी फोटोन के रूप में, लाइट एब्जॉर्ब की जाती है किसी मीडियम के द्वारा वो भी फोटोन के रूप में, और लाइट अगर प्रोपेगेट करती है वो भी फोटोन के रूप में। फोटोन के रूप में कैसे, ऐसे छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में। ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी है यही क्या कहलाता है, फोटोन। अब फोटोन के अंदर जो एनर्जी रहती है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर इसे हम लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा। क्लियर है, यहां से न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निर्वात में प्रकाश की चाल, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। एच क्या है, ये कांस्टेंट है जिसे हम नाम देते हैं प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। एच का जो मान रहेगा वो रहेगा 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। चीजें क्लियर है, तो इसे आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने मैक्सवेल का वेव पढ़ा है, आइंस्टीन का पार्टिकल पढ़ा है, न्यूटन का हमने रे पढ़ा है, हाइजन का एक वेव अजम्पशन पढ़ा है। चलिए अब इसे आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपने पास डी ब्रोगली, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। लाइट की जो ड्यूलिटी है, ड्यूल नेचर, तो ड्यूल नेचर में कौन सा, एक तरफ वेव तरंग के रूप में और एक तरफ पार्टिकल, ठीक है। यानी कि अगर साइंटिस्ट की बात करें तो एक तरफ अपने पास कौन जा रहा है, हाइजेन और मैक्सवेल, और एक तरफ कौन आ रहा है अपने पास, डी ब्रोगली, आइंस्टीन। इनकी ये चीजें चल रही हैं। तो डी ब्रोगली ने तो दोनों ही कंसेप्ट मिला दिए। डी ब्रोगली का तो मानना है ये एज ए पार्टिकल है, एज ए वेव है, लेकिन कब पार्टिकल के रूप में व्यवहार करेगा, कब वेव के रूप में, तो लाइट प्लस लाइट ये बिहेव करेगा वेव के रूप में। यानी कि जब वेव से वेव का इंटरेक्शन हो रहा है, वेव के साथ वेव का इंटरेक्शन होगा,
उस समय वेव नेचर है, और दूसरा है कि अगर वेव का पार्टिकल के साथ या किसी माध्यम के साथ, किसी मीडियम के साथ, वो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, छोटे लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इंटरेक्शन होगा, तो कौन सा नेचर दिया जाएगा? पार्टिकल नेचर, यानी कि फोटोन वाला कंसेप्ट होता है। अब यहां से हम एक एक्सपेरिमेंट की चर्चा कर लें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट। मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहा हूं, डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। प्रकाश का विद्युतीय प्रभाव, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट, प्रकाश का विद्युतीय प्रभाव, इसके बारे में हम जानते हैं। यहां से देखिए, शुरुआत में की थी इसकी, जो डिस्कवरी की थी वो की थी हेनरिक हर्ट्ज ने, उसके बाद हर्ट्ज ने इसको माना, इसको कोशिश की गई थी वेव नेचर से, लेकिन वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पाया ये एक्सपेरिमेंट। फिर नंबर किसका आया? आइंस्टीन का। आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर यानी कि जो फोटोन के रूप में इसको एक्सप्लेन किया है। क्या था अपने पास? कि ये मेटल सरफेस है, इसमें किसी फ्रीक्वेंसी की कोई वेव डाली जाती है, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस वेव से आने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और यहां से रिलीज करेंगे। लेकिन ये चीजें सही से एक्सप्लेन नहीं हो पाई जब ये एज ए वेव लेके चले, लेकिन जब हम एज ए फोटोन लेके चल रहे हैं कि फोटोन आएगा, अपनी एनर्जी को इसको देगा, ये यहां से रिलीज होगा। पर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, लेकिन जितने नंबर ऑफ फोटोन है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आइंस्टीन ने इसको किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया है? फोटोन के रूप में, यानी पार्टिकल नेचर पे, कण के रूप में इसको एक्सप्लेन किया है आइंस्टीन ने, सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया है, और इसी एक्सप्लेनेशन के लिए इसको नोबेल प्राइज दिया गया। अब अगर किसी नॉर्मल वनडे एग्जाम की मैं बात करता हूं तो वहां पे क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती है, जितना हमने इसका बैकग्राउंड देखा है वहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देखिए। आपसे पूछा जा सकता है लाइट के नेचर के बारे में, तो अगर रे नेचर की बात करता है तो ये किसने दिया है? न्यूटन ने। अगर वेव नेचर की बात करता है तरंग के रूप में, ये किसने दिया है? हाइजेन ने। और अगर पार्टिकल नेचर कण के रूप में व्यवहार की बात करता है तो ये दिया है आइंस्टीन ने। बेसिक आपसे यहां से ये तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है।